मत बहुत अच्छी मार्क्स है। अब जो थोड़ी परसेंटेज कम आई है उसको 11th 12th में अपना माँ अपने माँ बाप का स्कूल का नाम बहुत मुश्किल है। Myself Nwada Mahajan. I scored 494 out of 500. That is 98.8% in 10th class examination. I am proud to be a SP Smartian. मेरे स्कूल ने पढ़ाई में सबसे बहुत ज़्यादा मदद की। हमारा फाउंडेशन ब्लॉक होता था जिसमें हमें अक्टूबर मंथ से ही रेगुलर एग्जामिनेशन होता था, जिसमें हमें फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जाता था। घर में पेरेंट्स ने भी फोर्स नहीं किया कि अपनी नींद को तुम सेक्रीफाइस करो, मतलब अब रेगुलरली अच्छे से स्टडी करो, जितना तुमसे हो पाए उतना करो। और स्कूल में सब ने इतने अच्छे से मोटिवेट किया कि यू हैव टू अचीव योर टारगेट। अब 11th क्लास और 12th क्लास में भी यही टारगेट है कि 12th में पोजीशन लानी और सीट क्लियर करनी है एम्स और नीट की। आपके घर वालों का आपके साथ किस तरह का बिहेव था पढ़ाई को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? मेरे घर वालों ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया कि अच्छा स्कोर करो, उन्होंने बोला आपसे जितना हो सकता है उतना करो। कोई पीछे से फोर्स नहीं की गई कि यू हैव टू, मतलब जितना हो सके उतना करो, और कभी प्रेशराइज नहीं किया किसी चीज़ के लिए। आपकी मम्मा का आपके साथ पढ़ाई में कितना हाथ रहा? मम्मा हमेशा सपोर्ट में ही होते थे कि कुछ हेल्प, जैसे मम्मा डॉक्टर है तो वो बायो में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते थे कि डायग्राम्स कैसी एक्यूरेट होनी चाहिए, किस चीज़ में क्या लिखना चाहिए। जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते थे जैसे जिसमें एक्यूरेट आंसर्स चाहिए होते थे, तो उनमें मम्मा बहुत हेल्प करते थे। स्कूल के साथ, स्कूल तो अलग से सपोर्ट करता था, घर में भी उतनी ही सपोर्ट दी जितनी स्कूल ने दी। माय नेम इज़ अमजद रशीद डेंग। आई स्कोर 98.6% इन 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे हार्डवर्क करने के लिए कहते थे और स्कूल में भी बहुत हार्डवर्क कराते थे। हर टीचर ने हमें हार्डवर्क, हर टीचर अपनी तरह से हमें हार्डवर्क करने के लिए कहता था, हमेशा हमें अच्छी गाइडेंस देते था। मीन्स पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने कैरेक्टर के बारे में भी बोलते हमेशा ये, ऑफकोर्स हर टीचर शिवांग सर, प्रिंसिपल मैम से इस बारे में कहते थे। और हमें हर वीक टेस्ट होते थे हर सब्जेक्ट का था, जिसकी वजह से आई स्कोर 98.6 जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट एंड आवर टीचर्स स्टाफ सब्जेक्ट टीचर्स एंड द ब्लेसिंग ऑफ आवर पेरेंट्स। माई सेल्फ आकृति कोतवाल। आई हैव स्कोर 489 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स। ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द टीचर्स, द स्कूल मैनेजमेंट, शिवांग सर, शिल्पा मैम, माई पेरेंट्स, एंड या आई एम रियली हैप्पी फॉर माई मार्क्स। तो कौन सी टीचर आपकी फेवरेट रही है जिन्होंने आपको पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया है? वैसे तो 10th के सारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लेकिन जो मेन, जो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होती थी, वो थे सुधा मैम। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया, बहुत इंस्पायर किया कि आपको पढ़ना चाहिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो हाँ, सुधा मैम। तो मम्मा आपके किस तरह का, आपके साथ उनका पढ़ाई के टाइम में किस तरह का बिहेव रहता था? मम्मा हमेशा से नॉर्मल रहे हैं। मम्मा जी ने कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं आपके इतने मार्क्स आने ही आने चाहिए। हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि हाँ आप कर सकते हो, आप करो, आप पढ़ो। सर, माय नेम इज़ शेख नुमान। आई रेड इन एसपी स्मार्ट स्कूल। सो आई स्कोर 98.6% इन द 10th एग्जामिनेशन। सर, यहाँ टीचर्स ने काफ़ी बेस्ट से बेस्ट रोल किया हमारे साथ। जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा दिया हमें, तो जितने ज़्यादा एजुकेशन दे सकते थे, हर एक टीचर ने, स्टाफ ने, जो भी था, हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी, मतलब बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे खेलने की तरफ, कूदने की तरफ, फिर बोला सब ने, टीचर्स ने भी, पेरेंट्स ने भी, कि कुछ मतलब अपनी जगह है पढ़ाई, तो खेल कूद अपनी जगह है, तो अभी 10th है, अच्छे से पढ़ो, जो भी था। फिर उसके बाद काफ़ी लास्ट के 5-6 मंथ्स में से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, जो काफ़ी अच्छे तरीके से। तो उसके बाद सारे टीचर्स ने भी हेल्प किया, सब टीचर्स ने बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड किया। तो उसके बाद 493-500 में से स्कोर किया मैंने। तो सबसे ज़्यादा योगदान स्कूल का रहा, जहाँ माँ बाप का रहा, तकरीबन स्कूल का रहता है? यस सर।
तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? सर टीचर्स ने सबसे ज़्यादा किया रोल प्ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम टीचर्स के साथ ही होते हैं, तो जो वो हमें एजुकेशन देते हैं तो उसको मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे ये सुने कि जो भी है उनको टीचर्स का हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं रखा बाकी सब चीज़ों में, पढ़ाई करनी चाहिए अपनी जगह, खेल कूद अपनी जगह, एंजॉय भी करना चाहिए हर एक चीज़ को, लेकिन पेरेंट्स का भी अपनी जगह रोल बहुत अच्छा होता है, तो टीचर्स का भी रोल मस्ट है। माई नेम इज़ अल्फा फातिमा, आई गॉट 98.4% इन 10th क्लास, और इसके पीछे जो मैंने इतनी परसेंट ली है वो सब स्कूलिंग सिस्टम की वजह से है। जो हमारी प्रिंसिपल मैम है शिल्पा मैम, वो हमें कुछ पढ़ाते नहीं थे, बट उनके मोटिवेशनल लेक्चर्स सुन के हम इतना आगे तक आए, और जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे घर वाले बहुत, फैमिली मेम्बर्स बहुत ही खुश थे, और पहली बार मुझे किसी ने कॉर्डियल हॉस्पिटैलिटी दी थी घर में रिजल्ट के बाद। पहले मुझे हमेशा डांट पड़ती थी ऐसे वैसे, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो सब बहुत खुश थे और मुझे एक हॉस्पिटैलिटी मिली। हमारे शिवांग सर भी हमेशा क्लासेस में आते थे और हमें लेक्चर्स देते थे, और उससे हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आई पढ़ने की, और हमारे हमेशा फाउंडेशंस होते थे टाइम टू टाइम, और हम कभी भी स्कूल आके घर से पढ़ के हम कभी भी स्कूल आके फाउंडेशन दे सकते थे। जो हमारा मन था कि हमें टॉपिक अच्छे से नहीं आता, तो स्कूल वालों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, और जैसे कि मेरी मम्मा, उनकी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है, वो भी टीचर हैं मेरी मम्मा, उनने भी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, और मेरे पापा ने भी हमारे साथ बहुत हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। और आगे जाके आप क्या करना चाहते हो बच्चे? आई वॉन्ट टू बिकम अ नॉट गुड बेटर, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेस्ट डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे मतलब लोगों को देखना, उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है।